नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। जहां एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस्तीफे पर इस्तीफा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के युवा नेता कांग्रेस की जिम्मेदारी को निभाते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कन्हैया कुमार इन दिनों राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी का दिल जीतते जा रहे हैं। जी हां दर्शकों, जो खबरें आ रही हैं कन्हैया कुमार को लेकर, वाकई में कन्हैया कुमार ने कांग्रेस के साथ साथ पूरे हाईकमान का दिल जीत लिया उन्होंने। और इसकी वजह क्या है? इसका वजह यह है कि खुद ही राहुल गांधी ने इनाम दिया उन्हें। और दूसरी तरफ सचिन पायलट भी एक ऐसे नेता है जिनकी खूब तारीफ हो रही है। उन्होंने भी अपनी मेहनत से, अपनी जो है जोश जुनून से, वाकई में उन्होंने दिल जीत लिया। चलिए पूरी खबरें क्या है हम आप दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा चलने वाला, ये आप जानते ही हैं। ने कन्हैया कुमार सहित बिहार के 5 नेताओं को रहेंगे राहुल गांधी के साथ, सूची जारी कर दी गई। आप दर्शकों को बता दें कि देश भर में 7 सितंबर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और इस यात्रा में कन्हैया कुमार का नाम आना वाकई में अपने आप में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है ये माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने जो किया है वो उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि एक तरफ अध्यक्ष पद की मारामारी चल रही है, क्या कन्हैया कुमार की तरफ रुख करेंगे राहुल गांधी? हाँ, ये जरूर है कि एक तरफ अध्यक्ष पद को लेकर गहमा गहमी है, शुरू है, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी कांग्रेस की जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। आपने देखा कल किस तरीके से रामलीला मैदान से बीजेपी पर हमला बोला उनने, हल्ला बोल करते हुए महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से अटैक किया। वही आज गुजरात का दौरा करने वाले हैं, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और हमेशा से जो है कन्हैया कुमार इस जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। यानी यूं कहें एक लाइन में, सीधे में, तो वो ये कि राहुल गांधी ने जो विश्वास किया खासकर कन्हैया कुमार पर, उस पर खड़े उखड़ते नजर आ रहे हैं, खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कन्हैया कुमार। और यही वजह है कि आज कांग्रेस में इनका कद और भी बढ़ता जा रहा है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में कन्हैया का धीरे धीरे कांग्रेस में पोस्ट क्या बढ़ते जाता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़। नमस्कार।